होम्योपैथ इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, पर इस बार ये चर्चा बेहतर उपचार के लिए नहीं बल्कि बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। वहीं अब इस मामले को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि छपरा कांड में होम्योपैथिक दवाओं के कारनामे सामने आने के बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब राज्य के सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों पर निगरानी रखी जाएगी। ये निगरानी ठीक उसी तरह होगी जैसे शराब तस्करों पर होती है। हालांकि इस आदेश के जारी होते ही अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हम इलाज कैसे करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह के कोई भी नियम लागू करने से पहले सरकार को एक बार होम्योपैथ के डॉक्टरों के साथ मिलकर राय विचार करना चाहिए। बता दें कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी डीएम और उत्पाद विभाग के अफसरों के साथ अन्य जिम्मेदार अफसरों को आदेश दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाना सरकार के लिए गंभीरता का विषय है। इसको देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया कि शराब तस्करों की तरह ही अब होम्योपैथिक डॉक्टरों पर भी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि होम्योपैथ जो है वो इसी कारण से काफ़ी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि ये चर्चा बेहतर उपचार के लिए नहीं है बल्कि बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब से हुई जिस तरह से मौत उसको लेकर बिहार सरकार की भारी फजीहत हुई। वहीं अब इस मामले को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें आपको कि छपरा कांड में होम्योपैथिक दवाओं के कारनामे भी सामने आए जिसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब राज्य के सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों पर निगरानी रखी जाएगी और ये निगरानी ठीक उसी तरह होगी जैसे शराब तस्करों पर होती है। हालांकि इस आदेश के जारी होते ही अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका साफ कहना है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे में हम इलाज आखिर कैसे करेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह के कोई भी नियम लागू करने से पहले सरकार को एक बार होम्योपैथ के डॉक्टरों के साथ मिलकर राय विचार जरूर करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है जिसको लेकर होम्योपैथ के डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार जो है वो इस बड़ी संख्या में हुई मौत को लेकर अलर्ट पे है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ों पर अब नज़र रखी जाएगी।